तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण के चुनाव की। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी समेत विपक्षी दलों ने जोर लगाया हुआ है। क्या रहेंगे दूसरे चरण में चुनाव के समीकरण, देखिए खास रिपोर्ट। आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रैली को संबोधित कर रहे थे तो उनके निशाने पर परिवारवाद और आतंकवाद था। नफरत की दुकान चलाने वाले थे पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीएम मोदी हमलावर थे। लेकिन उनके इस तेवर की वजह क्या है वो भी समझना होगा। सोचिए, जिस कश्मीर में जाने से कभी यूपीए सरकार के दौरान गृह मंत्री रहे सुशील शिंदे तक डरते थे, वहाँ हजारों कश्मीरियों के तालियों के बीच मोदी दहाड़ रहे थे। जम्मू कश्मीर का चुनाव अब अपने दूसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में आकर अपनी रैली करी और उसके बाद उन्होंने एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि पहले चरण की वोटिंग इतिहास रच चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। उन्होंने एनसी, पीडीपी, कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि ये जितने भी परिवार थे उन्होंने कभी भी युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, युवाओं के हाथ में पत्थर दिए और 20 से 30 साल युवाओं के खराब किए। उन्होंने अपने खुद की सियासत के लिए कश्मीर में कभी भी अमन चैन होने नहीं दिया। 25 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी समेत सभी दलों का फोकस युवाओं पर है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर पीडीपी, आज कश्मीर का युवा पढ़ाई के साथ अब टेक्निकल ट्रेनिंग में दिलचस्पी दिखा रहा है। यहाँ के युवा स्किल इंडिया डिजिटल कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी चाहते हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर ऐसी तमाम योजनाओं में हिस्सा ले रही हैं। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के कई अहम मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा स्टेटहुड का है जिस पर सियासत हावी है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर स्टेटहुड लौटाने की बात कह रही है, जिसका मैनिफेस्टो में भी जिक्र है, लेकिन अनुच्छेद 370 पर वो मौन है। कि प्रधानमंत्री ने मन से कहा कि भारतीय जनता पार्टी संसद भवन के अंदर ये तय कर चुकी है कि वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाएगी, राज्य का दर्जा देगी। ऐसे में सभी अपनी कोशिशों में आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक वादे कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता चुप भी है और समझदार भी है। उसे पता है कि अब जो पिछले सालों साल हुआ, 2024 से पहले 50 साल जो हुआ, अब वो ऐसा नहीं होने देगी। इसीलिए वो सरकार चुनेगी जो जम्मू कश्मीर की आवाम को हाथ पकड़ के आगे लेकर जाएगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस बार 1996 के बाद से कश्मीर घाटी में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो कि एक दशक से भी ज्यादा समय में जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव है। हालांकि जम्मू रीजन की 43 विधानसभा सीटों में से हर सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। ऐसे में चुनावी नतीजे आने के बाद ये तय होगा कि कौन जम्मू कश्मीर का असली किंग और किंग मेकर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।